नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार पांडे आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये 1000 लीटर का प्लांट है। इस प्लांट के बारे में मैंने एक वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दी है। यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस प्लांट की सर्विसिंग कैसे की जाती है। तो सर्विसिंग के लिए जो मुख्य बातें होती है वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप जो सर्विसिंग की जाती है, मेन मुख्य रूप से जो सर्विसिंग की जाती है वो ये जो सामने दो वेसल देख रहे हैं, ये इन दोनों वेसलों की सर्विसिंग होती है। ये दो फिल्टर है, इनकी सर्विसिंग होती है। और ये जो पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये सफ़ेद रंग का, इनकी सर्विसिंग की जाती है। तो सर्विसिंग में सबसे पहले करना क्या होता है वो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो ऊपर आप ये काले रंग की हैंडल देख रहे हैं, इसी हैंडल से इसे घुमा करके सर्विसिंग की जाती है। सर्विसिंग का मतलब होता है कि जब प्लांट चालू रहता है तो इसमें मिट्टी आती रहती है, तो उस मिट्टी को कैसे हटाया जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है, यही इसकी खास जो है सर्विसिंग होती है। और ये सर्विसिंग जो है इन दोनों वेसलों की सर्विसिंग तो प्रतिदिन की जाती है। जब भी प्लांट चालू किया जाता है तो इनकी सर्विसिंग का मतलब कि इसके हैंडल को घुमा करके इसके अंदर की मिट्टी को बाहर निकालना, ये इसकी सर्विसिंग होती है। और जो पीछे आपको वो दिखाया गया ये सफ़ेद रंग का, एक उसकी सर्विसिंग होती है। और ये जो फिल्टर होती है, इनकी सर्विसिंग जो होती है तो इनकी सर्विसिंग का मतलब है इनके अंदर के फिल्टर को बदलना। ये फिल्टर तब बदले जाते हैं जब ये फिल्टर जाम होने लगते हैं। तो ये कब जाम होते हैं, कितने दिन पे जाम होते हैं, ये जो पीछे से पानी आ रहा है उस पर निर्भर करता है कि कितने दिन पे कैसी मिट्टी है, कैसा पानी आ रहा है, उसमें कितनी मिट्टी है, उस पर निर्भर करता है। उसके आधार पर जो है इस फिल्टिंग ये जो फिल्टर होता है उसे महीने में दो महीने में चेंज किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले ये पहले वाला फिल्टर ही अधिकतर चेंज किया जाता है, बाद वाला तो फिल्टर बहुत ज़्यादा दिनों पर चेंज करता है। उसके बाद ये प्लांट कितना देर तक चल रहा है, कि एक दिन में कितना चल रहा है, 10 घंटे चल रहा है, 12 घंटे चल रहा है, ये सारे कंडीशन के आधार पे ये इस फिल्टर की चेंजिंग की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डेली सर्विस की जाती है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि ये जो हमारा पैनल बॉक्स है, पैनल बॉक्स में जब हम चालू रखते हैं तो ये जनरली ये मैनुअल की पोजिशन में रहता है, मैनुअल पर चालू रहता है। तो जब ये जब हम इसको बंद करते हैं तो ये ऑफ की पोजीशन में है, ठीक है। तो जब हमें इसकी सर्विसिंग करनी है तो इसे मैनुअल में कर देते हैं। मैनुअल में करने के बाद ये जो हैंडल है इस पर आप देख रहे हैं कि ये जब पानी चलता रहता है, यानी जब प्लांट चालू रहता है तो ये हमेशा इस पोजीशन पे रहता है। इस पर लिखा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, फिल्टर लिखा हुआ है। किसी किसी में फिल्टर लिखा होता है, किसी में सर्विस लिखा होता है। तो ये फिल्टर पे हमेशा चलता रहता है। तो जब इसे सर्विसिंग करनी है तो सर्विसिंग का मतलब है इसको वॉश करना, इसको बोलते हैं वॉश करने के लिए। तो वॉश करने के लिए इस हैंडल को, ये जो हैंडल है इसे नीचे की तरफ दबाते हैं। ये हैंडल इसमें जो है आप देख रहे हैं कि इसमें ग्रूव होता है, उस ग्रूव में फंसा रहता है। तो इस हैंडल को नीचे की तरफ दबाते हैं, दाब करके इसे यूँ घुमा करके, और इसे ये आप देख रहे हैं ये बैक वॉश, ये देखिए ये लिखा बैक वॉश, इस कंडीशन में करते हैं। बैक वॉश पे करने के बाद यहाँ पर रॉ वाटर का ये स्विच देख रहे हैं, ये रॉ वाटर, इसको पुश कर दिया जाता है। केवल रॉ वाटर चलाते हैं, जब रॉ वाटर को पुश करते हैं तो ये जो आप ये देख रहे हैं छोटा वाला पंप, रॉ वाटर पंप बोल दें, ये चालू हो जाता है और पानी जो है तेज़ी से इसके अंदर आने लगता है और तेज़ी से इसके अंदर जाता है। और फिर इसके पीछे की तरफ जो वो पाइपलाइन है, ड्रेन की पाइपलाइन है, उसे ये बाहर निकलता रहता है। तो ये 5-7 मिनट तक ये काम करते हैं, यानी ये जो बैकवाश की स्थिति में है इसे 5-7 मिनट तक चलने देते हैं, 5 मिनट तक चलने देते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पर पैनल पर आते हैं और इस बटन को, यानी जो रॉ वाटर पंप का ये बटन है, इसको दबा करके और मोटर को बंद कर दिया जाता है। मोटर बंद करने के बाद फिर से ये जो हैंडल है मल्टीपोर्ट वाल का, इसको हम फिर से घुमा करके, और ये देखिए यहाँ पर ये रिंस है,
ये दिखाई दे रहा है, ये रिंस, ये रिंस की पोजीशन पे लाते हैं, यहाँ पर रिंस होता है। रिंस की पोजीशन पे लाने के बाद इसे फिर से जो है हम छोटे वाले पंप को चालू कर देते हैं और 5-7 मिनट तक फिर से चालू करने देते हैं। तो उसे क्या होता है कि बैकवाश करने पर एक बार पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो इसके अंदर की जो मिट्टी है वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरफ से इस पर प्रेशर पड़ता है और मिट्टी जो है इधर से होकर बाहर निकल जाती है। 5-7 मिनट चलाने के बाद फिर से हम इस पैनल बॉक्स के इस बटन को दबा करके छोटे वाले पंप को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद इसे हैंडल को यह फिल्टर की पोजीशन पर कर देते हैं। ठीक यही काम इस वेसल से भी करते हैं। ये मीडिया वेसल होता है, ये कार्बन वेसल होता है, ये पहले की वीडियो में मैंने बता चुका है। इसमें भी वही काम करते हैं, रॉ वाटर को बंद करते हैं और इसको जो है रिंस की पोजीशन में करते हैं। इसको ये घुमा करके इसे बैकवाश के पोजीशन में लाते हैं, ये बैकवाश, फिर रॉ वाटर को चालू करते हैं, 5-7 मिनट चलने देते हैं, उसके बाद फिर से रॉ वाटर को बंद करते हैं। बंद करने के बाद इसके हैंडल को पुनः रिंस के पोजीशन पर करते हैं और फिर वही काम करते हैं, यानी 5-7 मिनट चलने देते हैं, फिर रॉ वाटर को बंद करते हैं। बंद करने के बाद इसे हम फिल्टर की पोजीशन पर डाल देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वेसल है ये हमारा वाश हो जाता है। तो ये काम डेली किया जाता है, सुबह शाम जब भी प्लांट चालू करना होता है तब करते हैं और फिर शाम को जब बंद करना होता है तब करते हैं। उसके बाद जो सर्विसिंग में है, जो हमने बताया ये फिल्टर, इस फिल्टर को बदलने के लिए एक एक स्पिनर आता है जो इसके साथ दिया गया रहता है, जो ये आप स्पिनर देख रहे हैं, ठीक है। ये इसी इस स्पिनर की सहायता से, इस स्पिनर की सहायता से इसको जो है खोला जाता है। यू ऐसे खोल करके इसको खोलते हैं, इसको यू ऐसे खोल लेते हैं, ठीक है। खोलने के बाद यू खुल जाता है, खुलने के बाद इसके अंदर फिल्टर डाल दिया जाता है। इसके अंदर की जो, इसके अंदर का जो फिल्टर होता है, इसके अंदर का जो फिल्टर होता है उसको निकाल देते हैं और हम इसके अंदर नया फिल्टर फिर से डाल देते हैं। नया फिल्टर डालने के बाद इसको फिर से इसके अंदर लगा करके और इसको जो है कस दिया जाता है। कसने के बाद हाथ से जितना कसा जा सकता है, कसने के बाद ये जो स्पिनर हमने दिखाया, इस स्पिनर की सहायता से इसको कस देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो फिल्टर है इसे महीने दो महीने पे चेंज करते हैं, जैसा कि मिट्टी आती है उसके आधार पे। इसके बाद एक काम और करना होता है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये तो प्रेशर वाल लगा हुआ, इस प्रेशर वाल के साथ में एक और यहाँ पर वाल लगा हुआ है, इससे भी, इसकी सहायता से भी हम मेम्ब्रेन को वाश कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है कि जब ये दोनों वाश हो जाता है, वाश होने के बाद इसे हम ऑटो में चालू कर देते हैं। जब ऑटो में चालू करते हैं तो जैसा कि मालूम है कि पहले छोटा वाला पंप चलता है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये जो बड़ा वाला प्रेशर, हाई प्रेशर चलने लगता है और जो ये प्रेशर की सुइयाँ हैं, जैसे ये हाई प्रेशर का सुई है, ये जब 9 kg 10 kg तक जहाँ भी यह सेट किया गया रहता उतने तक बढ़ने के बाद, जब उतना तक 10 kg तक बढ़ जाता है तो ये जो वाल है, ये जो देख रहे हैं ये वाल, इसको खोल देते हैं। ये भाई खुल गया तो उससे क्या होता है कि पानी जो प्रेशर वाल है वो तेज़ी से उधर से अंदर से आता है, यानी पानी का बहाव जो है उसके अंदर तेज़ी से होने लगता है। तो उसके अंदर जो भी कुछ बैठा हुआ रहता है, अगर मिट्टी सिट्टी या कोई भी चीज़ ऐसी अगर चली गई है तो वो तेज़ी से बहाव के साथ बाहर निकल जाता है। इस काम को भी 5-7 मिनट तक डेली करते हैं, डेली करने का फिर उसके बाद इसको बंद कर देते हैं तो ये प्लांट चालू हो जाता है।
फिर से एक बार बता दें इसको कैसे, इसको वॉश करने के लिए छोटा वाला पंप और बड़ा वाला पंप, यानी प्लांट को पूरा चालू कर दिया जाता है। जब ये प्रेशर कुछ हाई हो जाता है प्रेशर पंप से, यानी 9-10 केजी का प्रेशर ये जब बताने लगता है जितना पर हमने इस वाल को सेट किया है, ठीक है, तो इस वाल को छेड़ना नहीं है। तो जब प्रेशर कुछ बढ़ जाता है तो इसको खोल देते हैं, तो पानी एक झटके से इस मेम्ब्रेन के अंदर जाता है, जिससे इस मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ अगर बैठी है तो वो निकल जाती है। क्योंकि जब इस प्रेशर को दिया गया रहता है, बंद किया गया रहता है, तो पानी का बहाव थोड़ा धीरे धीरे होता रहता है, तो उसके अंदर मिट्टी वगैरह या और कोई चीज़ जमी रहती है, बैठ जाती है। लेकिन जब इसको खोलते हैं तो दबाव और तेज़ बहाव के कारण उसके अंदर का जो सारा मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ही से हम 5-7 मिनट चलने देते हैं, चलने के बाद इस वाल को पुनः बंद कर देते हैं। तो ये ही काम जो है इसकी सर्विसिंग में होती है, और इसमें सर्विसिंग के लिए और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खास इसमें सर्विसिंग की जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कोई अगर तकनीकी जानकारी होगी तो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। धन्यवाद।